हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साफ़ कर रही थी अपने कवर्ड को, मतलब कि बेड में जो कपड़े भरे हुए हैं उसको, तो इसमें ना पहनने लायक और बिना पहनने लायक सब तरीके के, मतलब जो वैसे कपड़े हैं जो किसी को हम डोनेट कर दें और जो ऐसे भी कपड़े हैं इसमें जो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं होते हैं, डोनेट करने लायक भी नहीं होते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कपड़ों का यूज बताने वाली हूँ जो कि किसी काम के नहीं होते हैं लेकिन हम उस कपड़ों को काम में ले सकते हैं। अब चलिए, मैंने एक कपड़ा लिया, बढ़िया सा। आपको कपड़ा ले लेना है, कोई पैंट वगैरह का भी आप ले सकते हो, मतलब कि पैंट पुराना ले सकते हो, शर्ट ले सकते हो, साड़ी ले सकते हो, बढ़िया सी जो ऊपर से अच्छी सी दिखे। तो अच्छा सा कपड़ा हमें केवल यही लेना है ऊपर से दिखने के लिए। अब इसको हमें, तो ये मेरी स्ट्रिप थी लंबी, तो इसको मैंने पहले जॉइंट लगा लिया बीच में से कट करके, और आपको फिर इसको, अगर आपका एक कपड़ा है तो दोनों साइड से सिल देना है, मतलब कि इस तरीके से हमें इसको सिला हुआ चाहिए। तो ये मैंने सिल दिया है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से थैला सा हो जाए। तो थैला नहीं बना रहे हैं आप सोचो, थैला बना रही हूँ मैं, थैला नहीं बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें हमने हैंडल भी नहीं लगाया है अभी, क्योंकि न तो लगाने ही वाले हैं नहीं तो। और देखिए, अब इसको हमने इस तरीके से सिल दिया, और ऊपर की जो किनारी है ना, जो बचा हुआ हिस्सा है, इसकी किनारी को भी हम चारों साइड से सिल देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें अब इसके बाद में सिलाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है मशीन से, इसीलिए अब इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लिया। तो ये तीन तरफ से सिला हुआ है, एक तरफ से केवल ये खुला हुआ पार्ट है हमारा। अब इस यहाँ से हमें देखिए निशान लगाने हैं सीधे सीधे, 4 इंच का या 3 इंच का, जो भी आप गैप इसमें रखना चाहो उतना आपको निशान लगा लेने हैं। तो मैंने 4-4 इंच के इसमें इस तरीके से निशान लगाए हुए हैं। और आप ये मैं बनाने वाली हूँ फ्लोर सोफ़ा बोल सकते हैं आप इसे, फ्लोर मैट बोल सकते हैं, मतलब कि मोटा होगा, गुदगुदा होगा और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। और इसमें बहुत सारे कपड़े आपके लग जाएंगे, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हमें फेंकने का भी मन नहीं करता, हम सोचते हैं कुछ बना ही लेते हैं इनसे। अब देखिए, जो हमने निशान लगाया था ना, उन पे आपको सारे के सारे निशानों पे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। आप बड़े साइज का भी गद्दा बना सकते हो, जितने भी बड़े साइज का आप बनाना चाहो। अगर आपके पास ज़्यादा ही कपड़े हैं तो, अगर आपके पास थोड़े कपड़े हैं तो एक बना लीजिए, दो बना लीजिए, और भी बड़े साइज का थोड़ा सा बना लीजिए, बैठ के आगे डालने के लिए बना लीजिए। जितना भी आपको बड़े साइज का बनाना है उतने बड़े साइज का आप इसे बना सकते हो। अब चलिए, जो जो बेकार कपड़े थे उनको पहले मैंने छांट लिया और एक साइड में कर लिया, क्योंकि भाई फिर बार बार पे हमें छांटने पड़ेंगे इसीलिए। तो सारे के सारे, अब देखिए, जो हमने 4-4 इंच का गैप छोड़ा है ना, सिलाई लगाई है, वहीं पे हमें इस तरीके से कोई भी स्केल की सहायता से आप इसमें फिल कर सकते हो, या फिर कोई लकड़ी ले लीजिए उसकी सहायता से आप इसमें फिल कर सकते हो। चाहे जितना भी लंबा हो आपका, आप आराम से हो जाएगा अगर आप फिल करोगे तो, कोई भी लकड़ी, लेकिन आपको इतनी लंबी लेनी है कि अंदर तक वो चली जाए। अब देखिए, इस तरीके से 1x1 करके जितने भी हमारे डिब्बे बने हुए हैं, सारे के सारे डिब्बों में हमें पुराने कपड़ों को फिल कर देना है। और बहुत सारे कपड़े मेरे इसी में ही लग गए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे कपड़े को फेंकना भी नहीं पड़ा और मेरे कपड़े भी सिल्ट गए। अब देखिए, पूरा प्लाजो है ये मेरा साड़ी में से बना हुआ, ये पूरा एक ही में ही चला गया, और भी कपड़ा फिल करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो कितने सारे इसमें कपड़े लगे होंगे। और ये तो मैंने केवल सिंगल आदमी के लिए बैठने के लिए बनाया है, आप डबल आदमी के लिए भी बैठने के लिए बना सकते हो, या फिर लेटने के लिए बना सकते हो। सर्दियों का टाइम तो आ ही रहा है, तो बैठने के लिए तो हमें नीचे चाहिए ही चाहिए कुछ बिछाने के लिए। गर्मियों में तो क्या होता है, हम कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि ठंडा होता है इसीलिए, तो कुछ बिछाने के लिए चाहिए होता है इसीलिए। अब देखिए, सारे के सारे मैंने इस तरीके से फिल किए, और आपको अब सुई धागा लेना है, डबल मैंने धागा डाला है, आप चार्लर भी डाल सकते हो अगर आपको और भी मजबूत करना है तो। अब इस तरीके से आगे और पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हुए, मुंह को इसको बंद करते हुए, पूरे को आपको सिल देना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरा की पूरा मैंने सिल दिया, और ये हमारा फ्लोर सोफ़ा बनके रेडी हो चुका। आप जो भी नाम देना चाहो इसको, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए, एक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमारा ये आइडिया कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है, मेरे बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया,
और चलिए आप लोगों को मैं भी बैठ के दिखा देती हूँ। आप इस पर बैठ के खाना खाइए, नाचिए, झूमिए, जो भी कुछ करना है कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।